Shannon, I love you. I hate you. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में एनिमेशन कार्टून वीडियो को कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि हर कोई चैप बनाना चाहता है अपने एंड्रॉइड मोबाइल में एनिमेशन वीडियो कार्टून की, लेकिन बना नहीं पाता है और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन भी सही तरीके से नहीं मिलती। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी एनिमेशन वीडियो के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से कार्टून वीडियो को बना पाओ, सेट भी कर पाओगे। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फ्रेंड्स इसको स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको ये जो वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो आप पूरा अच्छे तरीके से देखिए वीडियो को और बनाइए अपने हिसाब से अपनी एक कार्टून वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वो एप्लीकेशन है जिसका नाम है प्लोटागॉन, ठीक है। आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस एप्लीकेशन को हमने ओपन कर लिया। ओपन करने बाद इसे जो भी परमिशन मांगेगा आप इसको परमिशन दे दीजिए, ठीक है। तो अब इसकी जो फाइल वगैरह है इस तरह से कुछ डाउनलोड होंगी। अलाउ कर देते हैं। ये पूरी तरह से ये ओपन हो चुका था। इसका होम मेनू कुछ इस तरह से, आप चाहो तो इसको लॉगिन वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं लॉगिन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जो बीच में वीडियो का आइकॉन बनाया हुआ है तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से नजर आ जाएगा। यहाँ पर इस एप्लीकेशन की बहुत सारी देखिए वीडियो क्रिएट हुई है जो कि इस एप्लीकेशन ने खुद क्रिएट करके यहाँ पर डाली हुई है, ठीक है। तो उसके बाद हमें तो नई वीडियो बनानी है हमारी एनिमेशन की, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कैरेक्टर। तो पहले हम कैरेक्टर को यहाँ से चॉइस करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी चार कैरेक्टर यहाँ पर दिए हुए, लेकिन हम अपने से कैरेक्टर को चॉइस करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए दे रहा है क्रिएट न्यू कैरेक्टर, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन दे रहा है, मेल और फीमेल चॉइस करने का। मेल पे क्लिक करने के बाद ठीक है यहाँ पर देखिए मेल आ चुका है। उसके बाद हमें देखिए यहाँ पर जो पहला है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसके फेस को जो सेट कर सकते हैं कि किस तरह का फेस यहाँ पर बनेगा। अभी हमें फेस चाहिए रहेगा, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये सिलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से, तो मैं इसको रहने देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से कलर भी सेट कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा डार्क है तो हम यहाँ से इस तरह से कुछ करेंगे तो ज़्यादा वाइट हो गया, तो इसको क्लिक करके इस तरह हम रहने देंगे, ठीक है। जैसा आपको लगे अच्छा उस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो सेकंड हेयर का यानी कि इसके जो बाल हैं वो हमें यहाँ पे सेट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर बाल के डिज़ाइन दी हुई, आपको जो भी पसंद आता है आप उसे सेट कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये सिलेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद कुछ दाढ़ी मूछ लगाना तो आगे वाले पर सिलेक्ट करके यहाँ पर देखिए दाढ़ी मूछ वगैरह आप सेट कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कुछ इस तरह से करके बाद में यहाँ पर देखिए दाढ़ी का क्या कलर सेट करना है आप यहाँ से चॉइस कर सकते हो। तो मैं यहाँ से ब्लैक ही रहने देता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये होने के बाद आगे देखिए दिया हुआ है आँख का, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो आँख का है कुछ आप सेट कर सकते हो, जैसे ग्रीन या फिर रेड जो भी सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको ग्रीन रहने देता हूँ इस तरह से। उसके बाद देखिए चश्मे का आइकॉन यहाँ पर है, तो जो भी आपको पसंद है चश्मा आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम ये वाला रख देते हैं। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं इस पर सही लग रहा है, तो हम इस पर ये कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर चाहो तो आप इसके कपड़े वगैरह को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे टी शर्ट पर तो यहाँ पर देखिए इसकी टी शर्ट वगैरह आ जाएगी। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और इसकी जो टी शर्ट को ये चेंज कर दिया हमने, ठीक है। इसी तरफ से आप क्लिक करके पैंट पे भी, पैंट का भी चेंज कर सकते हो। उसके आगे देखिए शूज़ का, आप शूज वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो हम रहने देंगे, शूज वगैरह चेंज करेंगे, ठीक है। ये सब हो चुका है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर देखिए कुछ वॉइस वगैरह का, एडवाइस का तो रहने देंगे हम, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ही सही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दे रहा है ए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इस क्रिएटर का नाम डालना है वो डाल सकते हो, तो मैं डालता हूँ अजाज, ठीक है, और डन कर देता हूँ। फ्रेंड्स आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे तो आपसे वीडियो बन नहीं पाएगी। तो ठीक है, आप शुरू से लेके अंत तक अच्छे से वीडियो देखिए इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो हमने एनिमेशन बनाया था अजाज का वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तब हम एक और करेक्टर ले लेंगे लेडीज़ का, तो फिर से हम क्रिएट न्यू क्रिएटर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम फीमेल पर ले लेते हैं फिर से। इसके भी हम सेम उसी तरह से जैसा भी हमें फेस चाहिए हम उस तरह से फेस वगैरह को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही रहने देते हैं हम, और इसके हेयर का जो भी हमें हेयर स्टाइल देना है वो दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा है, तो हम ये वाला दे देते हैं, ये देखिए। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा हमें, तो हम क्या करें, इसको देते हैं आप। तो मान लीजिए हमने ये हेयर दे दिया, इसको जो भी कलर रखना चाहे डार्क रखिए चाहे इस तरह से रखिए, जैसा आपको चाहिए उस तरह से आप इसके हेयर कलर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, इसके भी अगर आँख वगैरह को चेंज कर सकते हो। इसको हम एक चश्मा लगा देते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए ये वाला चश्मा देखें कैसा है। जो भी चश्मा आपको चाहिए वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, आप लगा सकते हो, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जो भी आपको पसंद है, ठीक है। फिर यहाँ पर सीधा हम आते हैं नाम पे, तो ए पे क्लिक करेंगे और इसका जो भी नाम रखना है आपको रख सकते हो। तो हम रखते हैं शन्नो, ठीक है, और डन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे दोनों क्रिएटर जो हमने बनाए यहाँ पर देखिए आ चुके बन चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्रिएटर लिखा था, हमने क्रिएटर बना लिया। अब लिखेंगे यहाँ पर देखिए दिया है फ्लॉट, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम कोई फ्लॉट सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दे रहा है न्यू फ्लॉट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, तो कुछ आपको इस तरह से आएगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमारा जो वीडियो बनाने का जो प्रोसेस है अब चालू हो गया है, ठीक है। आप फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप इस एनिमेशन वीडियो को पूरी तरह से नहीं बना पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर देखिए लिखा है स्टार्ट बाय एडिंग ए स्क्रीन, ठीक है। हम यहाँ पर स्क्रीन को ऐड करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ऊपर देखिए जो डब्बा का बॉक्स है यहाँ पर बना हुआ, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए दे रहा हमें सीन जो है क्रिएट करने के लिए दे रहा, तो हम यहाँ पर सीन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी सीन वगैरह लेनी है यहाँ से आप ले सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर दो ओपन पहले दिखाई दे रहे हैं, और नीचे आइए यहाँ पर देखिए ये सब जो है ये सब हमें परचेस करने पड़ेगा, यानी इसके लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो हम इसको नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर देखिए दे रहा एरो का जो मार्क बना हुआ है ये सब आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए सिर्फ आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, देखिए ये भी है, इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम फ्री वाला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दे रहा है कैफ़े, कैफ़े पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैफ़े जो है हमारा यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके आगे की प्रोसेस मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कोई भी है नहीं, यहाँ पर पब्लिक वगैरह कुछ भी नहीं, तो हम इसको अंदर पब्लिक ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दे रहा है कैफ़े, कैफ़े के आगे दे रहा है विदाउट एक्सट्रेस, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे विद एक्सट्रेस, ठीक है। तो उसके बाद देख सकते हो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर पब्लिक वगैरह आ चुकी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम अपने कैरेक्टर को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दे रहा है कैरेक्टर्स, तो हम कैरेक्टर्स पे क्लिक करेंगे। अब तो आप पहले किसको लेना चाहते हो, जैसे हम ले लेते हैं पहले अजाज़ को ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अजाज़ को हमने ले लिया, जो हमारा करेक्टर था, तो ये अभी देखिए खड़ा है अजाज़ भाई, अपना खड़ा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके आगे देखिए क्या लिखा है, अजाज़ इज़ टू द लेफ्ट एट द, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद मतलब कि हम इसको कहाँ बिठाना चाहते हैं, चाहे तो हम इसको कैश काउंटर वगैरह पे भी बिठा सकते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हम इसको सीट पे टेबल पे यानी बिठाना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए नीचे लास्ट में दे रहा है टेबल लेफ्ट टेबल राइट, तो हम क्या करते हैं इसको टेबल लेफ्ट पे बिठा लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने उसके ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ टेबल लेफ्ट पे बिठा दिए उसको हम। तो फ्रेंड्स इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दिया हुआ कैरेक्टर, यानी कि हम दूसरे कैरेक्टर को ले लेंगे। तो चलिए हम कैरेक्टर पे फिर से क्लिक करते हैं, और यहाँ पर इस जो हमने सन्नो को लिया था यहाँ पर से हम क्लिक कर लेते हैं, और इसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे हम। तो देख सकते हो यहाँ पर जो लेडीज़ कैरेक्टर हमने लिए थे सन्नो, यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक कीजिए, और इसको भी हम जो है टेबल पर बिठा देते हैं, ठीक है, राइट टेबल पर लेफ्ट पे, क्योंकि हमने उसे बिठाया था। तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये दोनों जो है आजू बाजू में हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो एक आइकॉन बना हुआ है वीडियो का, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए दे रहा है कैमरा, मतलब कैमरा को आप किस तरह से रखना चाहते हैं, तो ये आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं आप किस तरह से कैमरा को शूट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं सिंपल यही पहला ही वाला रहने देता हूँ, ठीक है। इतना हमने कैरेक्टर जो है इसमें ले लिया, ठीक है। आगे का ऑप्शन तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो दिया हुआ है इस तरह का आइकॉन, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रहा है क्रिएटर, यानी कि क्रिएटर क्या डायलॉग बोलेगा वो यहाँ पर हमें सेट करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर चॉइस कर रहे थे, क्रिएटर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों क्रिएटर यहाँ पर दिखाई दे रहा था, हम अजाज़ को ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इस क्रिएटर को। उसके बाद यहाँ पर वो डायलॉग क्या बोलेगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो हम चलिए लिखते हैं यहाँ पर, जैसे हम लिखते हैं कि सन्नो आई लव यू, ठीक है। ये देखिए हमने इतना लिख दिया, तो यहाँ पर हमने इतना लिख दिया। लिखने के बाद फ्रेंड्स मैंने तो यहाँ पर लिखा हूँ, आप चाहो तो अपनी आवाज़ में भी यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर देखिए आइकॉन बना हुआ है रिकॉर्डिंग का, आप इसके ऊपर क्लिक करके अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो इसने हमने जो इसका डायलॉग था वो लिख दिया। उसके बाद ये मतलब एक्शन किस प्रकार से करेगा, मतलब तो यहाँ पर देखिए दे रहा है न्यूट्रल, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, मतलब किस तरह का ये बिहेवियर करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हैप्पी डाल देता हूँ, आपको जो भी सिलेक्ट करना आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब हैप्पी में देखिए इसमें पोजिशन उसकी दिख रही है। तो ये तो हो चुका, अब क्या करेंगे हम दूसरे कैरेक्टर को लेंगे। तो दूसरे कैरेक्टर को लेने के लिए वापस फिर ऊपर आप क्लिक कीजिए,
यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दूसरा कैरेक्टर आ गया, ठीक है, हम इसका भी डायलॉग लिखेंगे। अब यहाँ पर लिख लेते हैं क्या लिखें, तो फिर हम यहाँ पर इसका डायलॉग लिखेंगे जैसे आई हेट यू, ठीक है। और इसका जो इसका भी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से होगा रिएक्ट, ये यहाँ पर हम देंगे, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। और इसकी भी जो फीलिंग्स है ये क्या करेगी वो सब यहाँ पर हम डाल देंगे, जैसे कि ये गुस्से में रहेगी ना, फिर जब आई हेट यू बोलेगी तो हम यहाँ पर इसका जो है वो गुस्से में डाल देते हैं एंग्री, ठीक है, यहाँ पर हम डाल दिए, ठीक है फ्रेंड्स। इतना हो गया, मतलब कि इतना ये करेगी, ठीक है। उसके बाद चलिए ये आई हेट यह जो है आई हेट यू तो बोल देगी, उसके बाद क्या करेगी, इसको झापड़ मारेगी, क्या करेगी, गले मिलेगी, किस करेगी, वो सब भी हम सेट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए ये जो हाथ का पंजा बना हुआ था उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो देखिए जब क्लिक करने के बाद यहाँ पर दे दिया क्रिएटर, ठीक है। तो क्रिएटर मतलब हम क्लिक करेंगे क्रिएटर पे, तो मतलब कौन एक्शन करना चाहता है, तो हम डालेंगे यहाँ पर सन्नो को, ठीक है, ये एक्शन करेगी। तो यहाँ पर हमने डाल दिया सन्नो, फिर यहाँ पर देखिए जरा एक्ट्स ऑन, ठीक है, मतलब क्या एक्शन करेगी। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्या एक्शन पर डालें हम, देखिए यहाँ पर आग की बहुत सारे यहाँ पर दिए हैं, तो हम क्या करेंगे स्लिप यानी कि इसके थप्पड़ मारेगी, यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक्शन के साथ में दिखा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे से एक गलती हो गई, यहाँ पर देख लीजिए आप जो दिया हुआ क्रिएटर, मैंने यहाँ पर सेकंड क्रिएटर का जो नाम था वो चॉइस नहीं किया है, ठीक है, जैसे कि सन्नो का नाम। तो हम क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर देखिए दे रहा है सन्नो, सन्नो पर क्लिक कर देंगे। अभी ये जो यहाँ पर देखिए सन्नो जो है एग्री, यानी कि दूसरा भी हमारा हो गया है, ठीक है, यानी पहला जो एजाज का, दूसरा सन्नो का, अब हो गया, इतना ही हमें करना था। तो अभी क्या होगा फ्रेंड्स, अभी ये रिएक्ट कैसे करिए हम प्ले करके देख लेते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप जो कुछ भी डालना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि कुछ म्यूजिक वगैरह इसके अंदर ऐड चाहते हैं, देखिए साउंड, कुछ साउंड इफेक्ट इसके अंदर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर म्यूजिक, आप कुछ म्यूजिक वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं भी म्यूजिक नहीं डालूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने ऐड तो कर दिया लेकिन मैं डाल नहीं रहा हूँ, तो मान लीजिए अगर कोई गलती से भी आपका अगर इसके अंदर ऐड हो जाए तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर सीधा स्क्रॉल कीजिएगा इस तरफ से, यहाँ पर देखिए स्क्रॉल कीजिए, देखिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर कट का आइकॉन दिया हुआ है, यहाँ से आप कट कर सकते हैं, जो चीज़ आपको नहीं यूज़ करनी है आप कट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, इसको भी सिंपल है, जो चीज़ नहीं चाहिए उसके ऊपर इस तरह से क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर कट का आइकॉन आ जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करके से कट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए ऊपर आ चुके हैं, आपसे यहाँ से प्ले करके पूरा सुन सकते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, कुछ इस तरह से जो हमारा जो कार्टून एनिमेशन है ये बन चुका है। फिर इसके बाद क्या करना है, हमें सेव करना है। सेव करने के देखिए ये जो आइकॉन बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है, ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर। अगर उसके बाद हम चाहे तो यहाँ पर पब्लिश भी कर सकते हैं, पब्लिश में करने के बाद इसी एप्लीकेशन में आपको दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद हम सेव भी कर सकते हैं, चलिए हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं आप शेयर वगैरह भी कर।